सभी का नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए हमारा एक खास प्रोग्राम लेकर आई हूं जिसका नाम है बॉलीवुड बज। जी हां, बॉलीवुड बज, जिसमें हम आप सभी को आप सभी के फेवरेट सितारों से जुड़ी कुछ मजेदार और दिलचस्प खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। आइए डालते नजर आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर और देखते हैं कि आखिरकार वो कौन से सितारे हैं जो काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। 90 के दशक में अपनी खूबसूरती से, अपने डांस के जलवे से, अपनी एक्टिंग से सबको अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस करिश्मा कपूर अब भले ही बड़े पर्दे पर नजर न आ रही हो, लेकिन करिश्मा कपूर आज भी बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि करिश्मा कपूर 2 बच्चों की माँ है और तलाकशुदा भी है, लेकिन बिना मेकअप के करिश्मा कपूर बेहद ही खूबसूरत अंदाज में नजर आती हैं। हाल ही में करिश्मा कपूर को बैंड्रा में स्पॉट किया गया था और इसी दौरान लोलो यानी कि करिश्मा कपूर बिना मेकअप के दिखाई दी और उनका ऐसा रूप देखकर हर कोई उनका दीवाना हो गया। इस दौरान करिश्मा कपूर बेहद ही कंफर्टेबल दिखाई दी थी और उनका ये लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। फैंस उनकी इस तस्वीरों को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हर कोई बस यही कहता हुआ नजर आया है कि करिश्मा कपूर बिना मेकअप के भी बेहद खूबसूरत नजर आ रही है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान यानी कि दबंग कहलाए जाते हैं वो। भाई हाल ही में सलमान खान के चाहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और वो ये है कि भाई 19 साल के बाद संजय लीला भंसाली और सलमान खान दोनों एक साथ दिखाई देंगे। कहा यह जा रहा है कि काफी लंबे गैप के बाद इन दोनों की जोड़ी को आप देखेंगे। ये सभी जानते हैं कि संजय लीला भंसाली जो भी फिल्म बनाते हैं वो हिट होती है और कहीं ना कहीं जहां पर सलमान अगर इस फिल्म का हिस्सा होंगे तो वो फिल्म तो सुपर टूपर हिट अपने आप ही होगी। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस फिल्म के लिए सलमान खान के अपोजिट होंगे दीपिका पादुकोण, मगर ये देखना होगा जनाब कि क्या दीपिका सलमान के साथ काम करने के लिए हामी भरेंगी, क्योंकि आपको याद दिला दें कि दीपिका इससे पहले 9 बार ही सलमान खान के साथ काम ना करने को ठुकरा चुकी हैं। जी हां, आप देखना दिलचस्प रहेगा कि शादी के बाद दीपिका सलमान से रोमांस करती हैं या फिर नहीं। बॉलीवुड की आइटम गर्ल मलाइका अरोड़ा इन दिनों अर्जुन कपूर संग अपने अफेयर को लेकर खूब चर्चा में पड़ी हुई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हाल ही में देर रात अर्जुन और मलाइका को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। ये दोनों स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो रहे थे। दरअसल देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे की बैचलर पार्टी स्विट्जरलैंड में रखी जा रही है और ऐसे में अर्जुन और मलाइका एक ही कार में बैठकर स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए थे। विदेश जाने के लिए वो रवाना हुए थे। आपको बता दें कि इन दोनों को एक ही कार में देखा गया और जिस तरह से अब ये दोनों खुल्लम खुल्ला प्यार कर रहे हैं उससे ये साफ जाहिर होता है कि अर्जुन और मलाइका अब खुलेआम अपने रिश्ते का ऐलान कर चुके हैं। वेल, अब देखना होगा कि आखिरकार अर्जुन और मलाइका कब शादी के बंधन में बनते हैं। खबरों की माने तो इन दोनों की शादी इसी साल अप्रैल के महीने में होने वाली है, हालांकि अभी डेट कोई फिक्स नहीं हुई। तो आइए आप भी देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में। अरे नहीं मिल रहा है यार, सामने लगा दिया। ओ अर्जुन भाई इधर अर्जुन सर, राइट में क्या हो रहा है? आवाज बाद में बात करो नहीं सर। Thank you.
मैम, मलाइका मैम इधर। मलाइका मैम, मैम मैम, अर्जुन भाई। बॉलीवुड के नए लवबर्ड्स यानी कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को एक बार फिर से देर रात एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। जी हां, आपको बता दें कि आलिया और रणबीर कपूर ये दोनों विदेश भाग रहे थे। अब माजरा क्या है? दरअसल आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी 9 मार्च को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। तो वहीं बेटे के लिए रॉयल अंदाज में बैचलर पार्टी का आयोजन किया है मुकेश अंबानी ने। आकाश और श्लोका की ये पार्टी स्विट्जरलैंड में रखी जा रही है। तो वहीं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी एक साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट किए गए और स्विट्जरलैंड के लिए रवाना किए थे। आइए आप भी देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में। चलो पहले एंट्री भैया भाभी का बंद करो। ये बाबा तो बंद करो, यहाँ तो खुला रख जा। अरे भाई आप इस तरह को मेरे उठ जाइए क्या? अरे संदीप फाटना, संदीप आलिया मैम, आरके आरके आलिया जी, आरके 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 हो गया आलिया। कहते हैं पति और पत्नी में जितना प्यार होता है उतनी ही ज्यादा अनबन भी होती है। तो वहीं शादी के 20 साल बाद बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन ने अपनी पत्नी काजोल संग लड़ाई का पूरा सच सबके सामने खोल दिया है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि खबरों की माने तो हाल ही में अजय देवगन से काजोल के साथ लड़ाई के बारे में पूछा गया। अजय देवगन और काजोल की शादी को लगभग 20 साल पूरे हो चुके हैं। तो वहीं ऐसे में जब अजय देवगन से पूछा गया कि इन 20 सालों में कभी भी किसी कोने से भी दोनों के बीच किसी तरह की अनबन सामने नहीं आई है, इस पर अजय देवगन ने कहा, घर में दोनों के बीच आखिर क्यों अनबन नहीं होती? इस सवाल पर अजय देवगन ने कहा, ऐसा नहीं है कि हमारे विचारों का टकराव नहीं होता, लेकिन एक अच्छी बहस और झगड़े में फर्क समझना ही अकलमंदी है। हम कभी एक दूसरे पर कोई चीज थोपते नहीं है और ना ही शख्सियत बदलने की कोशिश करते हैं। जब हम सामने वाले को अपने जैसा बनाने की जिद छोड़ देते हैं तो आधी परेशानी वैसे ही खत्म हो जाती है। बाकी की आधी परेशानी दूर करने का तरीका ये है कि हम एक दूसरे पर हक नहीं जताते। ऐसा भी होता है कि हम एक ही कमरे में घंटों बिना एक दूसरे से बात किए अपना अपना काम करते रहते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच मुक रहते हुए भी संवाद बना रहता है। पति पत्नी के बीच समझदारों वाली समझदारी होने से ही बात बनती है। नवाबों के नवाब सैफ अली खान ने बेबो करीना कपूर से शादी रचाई थी। ये तो आप सभी जानते हैं कि सैफ अली खान ने करीना से दूसरी शादी की थी। सैफ की पहली पत्नी अमृता सिंह है। तो वहीं हाल ही में करीना कपूर ने अपने पति सैफ अली खान की एक्स पत्नी अमृता सिंह को लेकर एक काफी बड़ा बयान दिया है और एक काफी बड़ा खुलासा भी किया। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में डायरेक्टर करण जौहर के चैट शो कॉफी विद करण में पहुंची बेबो करीना कपूर और देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और इस दौरान कई बड़े खुलासे भी हुए थे। ऐसे में करण जौहर ने करीना से पूछा कि अमृता सिंह के साथ आपका रिश्ता कैसा है। इस पर करीना ने खुलकर बात कही और करीना ने सैफ की एक्स वाइफ अमृता सिंह की भी तारीफ की थी। करीना ने कहा वो शादी के बाद कभी भी अमृता सिंह से नहीं मिली।
करती हैं। हालांकि करीना ने कहा कि मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। कभी खुशी कभी गम के दौरान अमृता सिंह सारा को मुझसे मिलवाने के लिए लेकर आती थी। करीना ने कहा कि सारा मेरी काफी बड़ी फैन थी। करीना ने सैफ के दोनों बच्चों की परवरिश का क्रेडिट भी अमृता सिंह को ही दिया था। करीना ने कहा कि जब सैफ ने मुझे प्रपोज किया तो मुझसे कहा था कि मेरे दो बच्चे हैं, वो मेरी लाइफ का हिस्सा है। बॉलीवुड की बेबू करीना कपूर खान को हाल ही में टीवी पर नागिन बनकर सबको अपना दीवाना बनाने वाली एक्ट्रेस मौनी रॉय के एक्स बॉयफ्रेंड मोहित रैना के साथ फ्लाइट में देखा गया था। जी हां, आपको बता दें कि मौनी रॉय मोहित रैना को डेट कर चुकी हैं, लेकिन कभी भी मोहित और मौनी ने अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार नहीं किया है। और इसी बीच हाल ही में करीना कपूर को फ्लाइट में मोहित रैना के साथ देखा गया, जो तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। वेल, मौनी रॉय अगर करीना और उनके एक्स बॉयफ्रेंड मोहित की ये तस्वीर देख लेंगी तो कहीं गुस्से से लाल ना हो जाएं। वेल दोस्तों, तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसका नाम है बॉलीवुड बस, जिसमें हमने आप सभी को बॉलीवुड से जुड़ी कुछ मजेदार बस खबरों से रूबरू करवाया। लेकिन दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत, पर आप निराश ना होइए। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही मजेदार और चटपटी खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।